दोस्तों, जिसके आप देख सकते हैं ये वीडियो है आर्ट ऑफ वार 3 गेम के बारे में। तो इस बार मैं गेम खेलने नहीं वाला, लेकिन हाँ आज हम कुछ करेंगे अलग। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पे अपग्रेड्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अपग्रेड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस गेम में। अगर आपने अपने यूनिट्स को अपग्रेड किया है और आप खेल रहे हैं जिसके उसके सामने जिसने अपने यूनिट्स को अपग्रेड नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप जीतेंगे। यहाँ पे अपग्रेड्स अलग अलग टाइप की होती है। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसकी भी अपग्रेड्स है, जो वेपन्स है उसकी भी अपग्रेड्स है। हर एक यूनिट की अलग अलग अपडेट होती है, तो आपको इसे अपडेट करना है अपने हिसाब से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए। लेकिन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप बिगिनर है गेम में या नया नया शुरू किया है, तो आप समझ पाए इस वीडियो से कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अपग्रेड करनी है और कौन सी चीज़ों को बाद में करना है। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कि सारे जो वेपन्स या हमारे पास इन्फिनिट्री और टैंक्स है, उस सभी में अपडेट्स हमें यहाँ पे दिखा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन्स में भी अपग्रेड है। तो शुरुआत में तो आपका सिर्फ कुछ ही यहाँ पे जो ओपन होगा यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होगा अगर आप बिगिनर है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं गेम को, आपके पास ये सारे ऑप्शन होंगे। अभी भी मेरे में ये एक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे कुछ टास्क कंप्लीट करने बाकी है, उसके बाद में ये ओपन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपग्रेड के बारे में। तो यहाँ पे अपग्रेड से हमें क्या मिलता है, तो अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो मैं कुछ चीज़ें अपग्रेड करने से यहाँ पे हेडक्वार्टर का एचपी बढ़ा पाऊँगा। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मोड का टाइम होता है वो बढ़ा पाऊँगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर डिप्लॉयमेंट टाइम में मुझे 1 सेकंड ज़्यादा मिलेगी, तो डिप्लॉयमेंट टाइम में जैसे कि हम जानते हैं कि सारी चीज़ों का जो बिल्डिंग्स का प्रोडक्शन है वो जल्दी होता है, तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि 1 सेकंड ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आर्मर में फ़ायदा होगा और व्यूइंग सेल डिस्टेंस में ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह से हर एक चीज़ों में आपको फ़ायदे होंगे। तो अगर आप गेम में चलना चाहते हैं कि कौन सी अपग्रेड्स इंपॉर्टेंट है शुरुआत में, या फिर अगर आपने अपग्रेड करना अभी शुरू किया है तो आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो मैं पहले दिखा दूँ आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे गेम में है हमारे पास। तो ये एक हेडक्वार्टर है, बाद में हमारे पास है सप्लाई सेंटर और पावर प्लांट। ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेम में, अगर आपको जल्दी से डेवलप करना है, सब कुछ जल्दी से बनाना है। तो अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे अलग अलग तरह के लेवल के हेडक्वार्टर्स होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और हर एक लेवल पे आपको कुछ अलग से अंदर से मिलता है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स मिलती है। लेकिन हमें क्या कब मिलेगा लेवल 2 का हेडक्वार्टर, जब हम कुछ टास्क कंप्लीट करेंगे, कुछ गेम में प्रोग्रेस करेंगे तब। अभी अगर हम हेडक्वार्टर में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट मुझे ये लग रही है, यूनिफाइड कमांड सिस्टम। यहाँ पे हमें जो सीपी है, कमांड पॉइंट्स, जो कि इम्पोर्टेंट है हमें यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कमांड्स पॉइंट चाहिए होते हैं, तो वो यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास ज़्यादा यूनिट्स होंगे और सामने वाले के पास एनिमी के पास कम यूनिट्स होंगे, तो आप ही जीतेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको सीपी इंक्रीज़ करना है। आप सोचिए, अगर सामने वाले एनिमी के पास दो यूनिट्स है, आपके 3 यूनिट गए हैं, उसके यूनिट्स अपग्रेड है, फिर भी आपके 3 यूनिट होंगे, तो आप ही जीतेंगे। एक आसान सा सवाल है कि यहाँ पे 2 यूनिट्स को 3 यूनिट्स आसानी से हरा सकते हैं। अगर 2 यूनिट ज़्यादा अपग्रेड होंगे थोड़े से, तो भी जो 3 यूनिट्स है उनका अटैक पावर तो बड़े ज़्यादा होगा ही सभी तरह से, तो 3 यूनिट्स ही जीतेंगे। तो ये एक अच्छा शुरुआत का जो आपको अपग्रेड करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे कि आप सीपी को बढ़ा लें। तो जितने ज़्यादा आपके यूनिट होंगे, उतना ज़्यादा आप पूरी तरह से गेम में कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद की बात करें तो सप्लाई सेंटर की, यहाँ पे सप्लाई एक गेम का बहुत ही रिसोर्सेस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गेम में। अगर आपके पास रिसोर्सेस होंगे तभी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि बिल्डिंग्स है या फिर कुछ यूनिट्स है, सबके लिए आपको रिसोर्सेस चाहिए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सप्लाई सेंटर से हम अगर अपग्रेड करेंगे इस वाले को, ऑटोमेटिक स्टोरेज यार, तो यहाँ पे हमें रिसोर्सेज है जो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। जितने रिसोर्सेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, उतने हम ज़्यादा कमांड बना पाएंगे चीज़ों को, जैसे कि हमारे पास जो इन्फिनिटीज होते हैं, टैंक्स होते हैं या फिर बिल्डिंग्स होती है, तो हम ज़्यादा बना पाएंगे उन चीज़ों को। तो अगर हम ज़्यादा बना पाएंगे तो हमें ज़्यादा जल्दी से हम बना पाएंगे, तो हम ज़्यादा जल्दी से डेवलप कर पाएंगे और ज़्यादा जल्दी से अटैक कर पाएंगे। और इस गेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है टाइम। अगर आपने टाइम में बना लिया है सब कुछ, तो आप डिफेंस अच्छी तरह से कर पाएंगे, अटैक अच्छी तरह से कर पाएंगे, इफेक्टिव होंगे आप, तो एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद करें तो पावर प्लांट पे, तो पावर प्लांट के इम्पोर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पे एनर्जी मिलती है सभी चीज़ों को चलाने के लिए। एनर्जी चाहिए आपको, सप्लाई सेंटर को रनिंग रखना है तो एनर्जी चाहिए।
तो अगर आप एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे इसे अपग्रेड के, यहाँ पे सोलर पावर सोर्स या फिर हाई एफिशिएंसी जनरेटर, तो इन दोनों की अपडेट से आपको जो एनर्जी है वो एक ही सिंगल में बढ़ेगी। आपकी हर पावर प्लांट पे एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आपको कम पावर प्लांट चाहिए होंगे। कम पावर प्लांट मतलब कम आपकी जगह उसमें कंज्यूम होगी और आप दूसरी चीज़ें इसमें कर पाएंगे प्रोड्यूस, यहाँ पे दूसरी चीज़ों को आप यहाँ पे बिल्डिंग्स दूसरी बना पाएंगे आप कम जगह में अगर पावर प्लांट का यूज़ कर पाए तो। और इससे एक बात ये भी होगी कि एक ही पावर प्लांट पे आपकी ज़्यादा चीज़ें चलेंगी तो आपको पावर प्लांट की ज़रूरत कम होगी, तो आपका उतना जो रिसोर्स है वो कम यहाँ पे यूटिलाइज होगा पावर प्लांट के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी अपग्रेड है आपको अगर शुरुआत में करनी है तो। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी अपग्रेड्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेकर्स में, एसोल्ट फैक्ट्री में, यहाँ पे एडवांस फैक्ट्री में, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी एक बात बताना चाहूँगा कि आप इस अपग्रेड को ज़रूर से करिए कि या ट्रेनिंग टाइम में इन्फेंट्री का वो कम होता जाएगा इस ट्रेनिंग एरिया के बाद कि अपग्रेड के बाद। तो मैं हर अपग्रेड के बाद यहाँ पे जो ट्रेनिंग टाइम है इन्फेंट्री का कम होगा, तो मैं शुरुआत में इन्फेंट्री तो सभी बनाते हैं कि आप में कंटेनर्स कलेक्ट करने होते हैं, तो अगर इन्फेंट्री जल्दी बन जाएंगे तो हम जल्दी से उन्हें सभी तरफ भेज पाएंगे और कंटेनर्स ले पाएंगे, तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है अपग्रेड करने के लिए। इसके बाद असल फैक्ट्री में तो इतना कुछ नहीं है क्योंकि आपको ये असल फैक्ट्री आप बाद में बनाते हैं, पहले ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं, कंटेनर्स लेते हैं, तो असल फैक्ट्री से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे आर्मर है और HP है, यहाँ पे भी यूनिट प्रोडक्शन टाइम है, लेकिन इससे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बाद में अगर आपको शुरुआत में जो अच्छे से अगर आगे निकल जाना है तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो मैंने अपना आपको बताया। यहाँ पे जो ऊपर की पांच चीज़ें हैं, यहाँ पे हेडक्वार्टर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप अपने व्यूइंग डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। और आपको कंस्ट्रक्शन जो यार्ड है उसका एक चीज़ याद रखिए कि आपको ऐसा का HP ज़्यादा रखना है, तो ये अपग्रेड भी हो सके तो कीजिए, मैंने नहीं किया है लेकिन ये अपग्रेड भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पे तो उसकी जो अंदर की जो एरिया में बिल्डिंग होगी उसका फंक्शन तो होगा लेकिन आप उस पर कुछ भी रिपेयर और बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो अगर ये डिस्ट्रॉय होगा तो वो भी पूरी तरह से एक तरह से बेकार हो जाएगी वो सारी चीज़ें, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले तो हेडक्वार्टर्स इम्पोर्टेंट है, इसके बाद आता है सप्लाई सेंटर और पावर प्लांट। बाद में आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि कौन सी चीज़ को आपको ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे ब्रेकर्स, तो यहाँ पे आप इसे ब्रेकर्स में जल्दी से यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर असल फैक्ट्री में आप ऐसा करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एयरफील्ड है यहाँ पे, तो हमारे पास इसमें भी काफ़ी जो एयरक्राफ्ट के रिपेयर स्पीड है वो बढ़ जाती है, ये भी एक अच्छी अपग्रेड है, तो आपको ज़्यादा जल्दी से एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है कि आपके जो एयरक्राफ्ट है रिपेयर जल्दी होंगे तो आप अच्छे से अटैक कर पाएंगे उससे। बाद में यहाँ पे रिफ्यूलिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी, ये सब है, तो अगर आप एयर अटैक करना चाहते हैं तो ये भी एक आपके लिए ऑप्शन है। उसके बाद वॉल, तो डिफेंस में आप अगर खेलते हैं कि जो एक रास्ता है उसे पूरी तरह से ब्लॉक करना है, दूसरे रास्ते से आपको डिफेंड करना है और अटैक करना है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप इसे देख सकते हैं। अब ये बंकर की बात करें तो बंकर में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप इस बंकर की खासियत यह है कि यह बहुत ही कम रिसोर्सेज लेता है और एनर्जी भी बहुत ही कम लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ही एनर्जी है और 140 रिसोर्सेज है। तो अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इतने सारे बंकर्स बना देते हैं पूरी लाइन में, कोई एनिमी के अटैक में बहुत ही मुश्किलें खड़ी हो जाती है इससे, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप ज़रूर से इसके लिए आप एक चीज़ बना ले यहाँ पे, वो है यहाँ पे HP इसका बढ़ा ले, क्योंकि इसका HP इतना ज़्यादा नहीं है तो ये ज़्यादा देर तक टिक पाए इसके लिए HP बढ़ा ले और अटैक भी बढ़ा ले अगर आपको इसे यूज़ करना है इस तरह से तो। इसके बाद रॉकेट टावर एयर डिफेंस, अगर एयर डिफेंस को आपको एफिशिएंट बनाना है तो इसे ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए, और इसका जो आर्मर के सामने डैमेज है वो बढ़ा लीजिए, इसका अटैक ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक प्लेन से कोई अटैक नहीं था, जब भी अटैक होते हैं प्लेन से तो 3 या 4 प्लेन लेके आते हैं, तो अगर इसके जो डैमेज करने की क्षमता है वो ज़्यादा होगी तो बेहतर रहेगा। तो ये थी सारी बिल्डिंग्स, इसके बाद एडवांस फैक्ट्री, असल फैक्ट्री सब कुछ है, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल हम इतना ज़्यादा नहीं करते, इसके इस्तेमाल हम बाद में करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें ऊपर की है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप
हेडक्वार्टर, पावर प्लांट और सप्लाई सेंटर, इन तीनों चीज़ों को भी पकड़े। और अगर आप अपग्रेड करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें ही करें। इसके बाद हम अगर व्हीकल्स भी या इन्फेंट्रीज में बात करें तो मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे पहले असल्ट को यहाँ पे आप ज़रूर से अपग्रेड कीजिए, इसका जो HP है उसे बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कंटेनर लेने जाते हैं तो एनिमी के असल्ट भी आएंगे, दोनों का जो मुकाबला होगा। अगर आपका असल्ट बच गया तो आपके पास उतना टाइम ज़्यादा रहेगा कि एनिमी का दूसरा असल्ट आए, तब तक का आप कंटेनर ले पाएंगे। तो एक अच्छी चीज़ है, आप असल्ट को अपग्रेड करिए। मैंने इसे इतना ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं किया है, लेकिन किया है कुछ हद तक कि एनिमी के असल्ट से ज़्यादा वो टिक पाए, ऐसा मैं रख रहा हूँ और मैं अभी भी इसे ही अपग्रेड कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करें हैवी असल्ट की, तो हैवी असल्ट हमें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सामने वाले फिक्शन एनिमी फिक्शन के पास हेलीकॉप्टर्स है, तो हेलीकॉप्टर्स के सामने ये असल्ट बहुत ही हैवी असल्ट है, वो बहुत ही ताकतवर है यहाँ पे। इसके साथ ही हम ज़्यादातर लोग शुरुआत में थोड़े ज़्यादा हैवी असल्ट बनाते हैं, क्योंकि ये टैंक्स के सामने भी ज़्यादा इफेक्टिव है, उनकी डैमेज की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है टैंक्स के सामने, और बहुत सारे लोग इसे बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स के डिफेंस के सामने। और अटैक करते वक्त भी अगर आपके ऊपर अटैक हो चुका है, आपको जल्दी से बनाने हैं यूनिट, तो आप हैवी असल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं एनिमी को, तो ये एक अच्छी बात है। और आप जरूर से इसका जो डैमेज का हाई पावर रॉकेट है उसे इस्तेमाल कीजिए, इसका अपग्रेड कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो डैमेज की क्षमता है वो बढ़ेगी, तो ये एक ओवरऑल इंक्रीज़ करेगा आपको। इसके बाद हम करें बात फोर्ट्रेस, तो भी एक अच्छी बात है कि आप जैसे ही सबसे पहले बनाएंगे फैक्ट्री, तो हम यहाँ पे फोर्ट्रेस को ज़रूर से बनाएंगे। यहाँ पे असल फैक्ट्री बनाने के बाद ज़्यादातर हमें पहले फोर्ट्रेस ही बनाने होते हैं, तो इसे अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा मेरे हिसाब से। जब तक मैंने गेम को खेला है मुझे पता है कि कितना इफेक्ट नहीं होता है इतना फोर्ट्रेस में यहाँ पे, क्योंकि फोर्ट्रेस का इफेक्ट सिर्फ सामने वाले की इन्फेंट्री पे ज़्यादा होता है। उसकी टैंक आएगी तो फोर्ट्रेस कुछ काम नहीं आएगा, उसकी दूसरी नंबर की टैंक आएगी एनिमी की, उसकी जो बात की टैंक होती है, तो उसके सामने तो ये फोर्ट्रेस कुछ भी नहीं है, तो इसको इतना ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आप कुछ इसका जो डिफेंसिस है उसे बढ़ा सकते हैं, HP को बढ़ा सकते हैं, तो ये ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। उसके बाद हैमर, ये टैंक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसका जो अटैक है वो तो अच्छा है, लेकिन जो इन्फिनिटी के सामने ये ज़्यादा ताकत तो नहीं है, और इसका जो डिफेंस है वो भी मुझे बहुत कम लगा है, तो मैंने इसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर एक दो ही बनाता हूँ शुरुआत में, बाद में मैं जीजूस पे ही आता हूँ और इसे ही इस्तेमाल करता हूँ आखिर तक। और सबसे जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी सारी टैंक्स में वो है जीजूस, जो अभी अभी एक अपडेट है गेम में, जिसके बाद हम यहाँ पे जीजूस की मदद से जो प्लेन्स होते हैं उस पर अटैक नहीं कर सकते। इससे पहले जो जीजूस थी उसमें हम सभी जगह पे अटैक कर सकते हैं जीजूस की मदद से, या वो सरफेस पे हो या फिर हेलीकॉप्टर पे हो या फिर प्लेन पे हो। लेकिन अब प्लेन को वाला जो निकाल दिया गया है उसका रीज़न भी है कि उससे कुछ ज़्यादा ही ताकत हो रही थी जीजूस, और सामने वाले फैक्शन को बहुत ही तकलीफ हो रही थी जीतने में, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया है ऐसा मुझे लग रहा है। तो जीजू से एक बहुत ही अच्छी टैंक है, और ज़्यादातर लोग इसे ही इस्तेमाल करते हैं जीतने के लिए। यहाँ पे इसका फायरिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप गेम में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जीजू को ज़रूर से अपग्रेड कीजिए, ये एक बहुत ही ताकतवर है, और आपको जो आखिर में जीतने के लिए इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने के एनिमी के पास ही ऐसी ही टैंक है और वो भी बहुत ही ताकतवर है, उसको हम कम नहीं कह सकते। वो भी टैंक बहुत ही ताकतवर है, उसका जो एक मोड़ आता है साइज मोड़, उसमें जाने के बाद तो ये जीजूस को कड़ी टक्कर देती है, वो दोनों टैंक सेम ही जैसी है। तो जीजूस को अपग्रेड करना एक अच्छा है, और मैंने तो जीजूस को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है, क्योंकि मैं हर गेम में इसका इस्तेमाल तो करता ही हूँ। तो आप जिस यूनिट्स का इस्तेमाल हर गेम में करते हो उसे तो आप अपग्रेड कर ही लीजिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसका डैमेज का जो मिसाइल से उसे भी मैंने बढ़ा दिया है, उसका जो HP है जीजूस का वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इसे ज़्यादा अपग्रेड करेंगे तो HP इतना ज़्यादा हो गया है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अटैक करने के बाद आप कुछ 5-6 जीजूस से ही गेम जीत पाएंगे, अगर सामने वाला ने ज़्यादा डेवलप नहीं किया है तो। मैंने बहुत बार खेला और बहुत बार मैं जीता भी हूँ सिर्फ 5-6 जीजूस के यूज़ करके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अपग्रेड करने के लिए। इसके बाद एयर वाले हैं,
सारी यूनिट्स और वाटर वाले, तो उन्हें तो मैंने ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़ाई होती है सरफेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, क्योंकि हम सरफेस पे जाके उसके कमांड सिस्टम पर अटैक करते हैं ज़्यादातर। और एयर के जो हो उसमें आप इस वर्टेक्स को अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको एयर वाला अटैक करना हो तो। लेकिन इससे अच्छा है आप जीजस को ही अपग्रेड कीजिए, तो आप सरफेस पे बहुत ही पावरफुल रह पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम जीजस को ज़्यादा बना सकते हैं। हम वर्टेक्स को पहले 4 बनाएंगे एक एयरफील्ड पे, दूसरे एयरफील्ड बनाना पड़ेगी, फिर 4 बनाएंगे, तो ये कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे जीजस के मामले में ऐसा नहीं होगा, आप जितनी चाहिए उतनी आप सरफेस पे बना सकते हैं, और अगर आप डिफेंस में भी बहुत ही अच्छे से काम आते हैं ये टैंक्स। इसके बाद यह टाइफून, इसका भी आप अपडेट कर लीजिए अगर आप सरफेस एयर से डिफेंड करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी जो जीजस का जो एयर पे प्लेन पे अटैक करना करता था वो एबिलिटी चली गई है, तो ये एक अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टैंक हो गई है, क्योंकि ये एक ही टैंक है हमारे पास जो एयर के प्लेन्स को अटैक कर पाएगी, तो इस टैंक को आप अपग्रेड कर लीजिए तो ये अच्छा रहेगा। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, पर अगर आपने बहुत ज़्यादा खेल लिया है और बहुत आगे पहुँच गए तो इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप अभी तक कुछ ही खेले हैं और आप अपग्रेड करना शुरू शुरू में कर रहे हैं, तो जीजू से एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हैवी असल्ट और असल्ट, इन दोनों तो कर ली लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा इसे अपग्रेड करना, क्योंकि इसकी अपडेट बहुत ही छोटी छोटी होती है, इस पे जो कॉस्ट होता है वही वो काफ़ी कम होता है शुरुआत में। तो ये तो मैंने अपग्रेड कर लिया है सभी, इसके लिए कॉस्ट ज़्यादा दिख रहा है हमें, लेकिन शुरुआती कॉस्ट तो काफ़ी कम हो गए असल्ट में। इसके बाद फोर्ट्रेस और जीजस भी काम किए, और इसके बाद टॉरेंट तो है, लेकिन टॉरेंट में वैसे भी फायर पावर ज़्यादा है, तो इसे अपग्रेड करने का इतना भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा गेम में। तो ये थी सारी अपग्रेड्स के बारे में यहाँ पे, और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है अपग्रेड के रिलेटेड तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, और अगर आप ऐसे कुछ वीडियोस चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ पे बनाऊँ तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए।